हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। मैं मनीष सिंह एंड आप लोग देख रहे हो सिंह फिटनेस। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं फिटनेस इंडस्ट्री से बहुत सारा अपडेट लेकर आया। तो गाइस, हम फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो सबसे पहला अपडेट है वो अच्छा अपडेट नहीं है, एक साइड न्यूज़ है कि हमारे मैथ्स जी के एथलीट्स IFBB प्रो मनोज पाटिल जो कि अब कॉम्पीट नहीं करेंगे दिल्ली वाले प्रो शो में। रीज़न इज दैट कि जो IFBB प्रो लीग जो है वो इनको, इनका जो प्रो कार्ड है वो इनका, इनको सस्पेंड कर दिया। ड्यू टू रीज़न था ये, इन्होंने अनिल क्लासिक में एज अ जज एज अ गेस्ट गए थे जो कि जम्मू में हुआ था। तो इस वजह से एक रूल है कि जो भी एथलीट्स हैं कोई भी अलग शो को प्रमोट नहीं करेंगे, नहीं जाएंगे एज अ जज, ये सब बनकर इनके वजह से इनको सस्पेंड कर दिया गया। बाय द वे, दिस इज़ नॉट अ गुड न्यूज़। आप थोड़ा एक क्लिप देखना इनके खुद से और आप लोग बताना कि आप लोग को इस न्यूज जानने के बाद आप लोग को क्या लगा। बता दूं कि आने वाले शेरू क्लासिक में जो 16-17-18 जून को होने वाला है दिल्ली में, जो प्रो शो होने वाला है दिल्ली में फर्स्ट टाइम, उस चैंपियनशिप में मैं कम्पीट नहीं करने वाला हूँ। उसका रीजन ये है कि 4 दिन पहले ही मुझे IFBB की तरफ से एक मेल रिसीव हुआ है जिसमें मेरा प्रो कार्ड फॉर 6 मंथ आने वाले 6 मंथ के लिए सस्पेंड किया है। तो नेक्स्ट अपडेट है वो है इंडियन रॉक दीपक नंदा की तरफ से। गाइस, तो रिसेंटली देख सकते हो उन्होंने अपना एक अपडेट शेयर करा। गाइस, एंड देख सकते हो ये इनका करंट फिजिक अपडेट है। फिजिक की बात करेंगे तो रियली बताऊँ बहुत, मतलब टाइम बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट इंडियन रॉक दीपक नंदा कर रहे हैं। देख सकते हो कंडीशनिंग बिल्कुल ऑन पॉइंट लग रहा है। गाइस, साइज भी कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा है इस बार, और कंडीशनिंग तो लास्ट टाइम ही बहुत टॉप नोच का था। और पोजिंग सबसे बड़ी बात है कि इनका जो पोजिंग का जो स्टाइल है ना वो नेक्स्ट लेवल है। तो क्लासिक में मेनली जो इस बार जो हाई बन रखा है वो दीपक नंदा वर्सेज मनोज संग्रपानी, तो दोनों में बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा। किन्हीं का अपर बॉडी डोमिनेट करेगा तो किन्हीं का लोअर बॉडी डोमिनेट करेगा। इस तो बहुत मजा आने वाला दिल्ली में शेरू क्लासिक में। तो आप लोग कमेंट कर बताना कि आप लोग को क्या लगता है क्लासिक में इंडिया से सबसे पहले कौन क्वालिफाई कर सकता है, मनोज संग्रपानी या फिर दीपक नंदा। तो गाइस, जो हमारा नेक्स्ट अपडेट है वो है लवप्रीत की तरफ से। गाइस, तो रिसेंटली देख सकते हो उन्होंने एक फोटो शेयर करा। एंड गाइस, आप लोग देख सकते हो लास्ट टाइम और इस टाइम में, मतलब एक साल में कितना अच्छा इंप्रूवमेंट करा। सबसे पहले साइज की बात करते हैं। देखो, मैं बार बार बोलता हूँ कि अब एक जो प्रो लेवल के एथलीट्स होते हैं उनके पास साइज होना चाहिए। कंडीशनिंग तो बहुत अच्छे तरीके से ऑन स्टेज लेकर आते हैं मेनली मोस्ट ऑफ द एथलीट्स, पर साइज में कहीं ना कहीं लैक कर जाते हैं। तो देख सकते हो लवप्रीत किस तरीके से इंप्रूवमेंट किए, और इन्होंने एक साल में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट करा अपने फ्रेम में, गुड क्वालिटी मसल मास पुट ऑन करा, आर्म्स का साइज देख सकते हो, चेस्ट में फ्रंट लुक से देख सकते हो एब्डोमिनल एरिया, मतलब ओवरऑल बहुत क्लीन लग रहा है। इस तो कंडीशन देखकर बस यही लग रहा कि इस बार और भी तगड़ा कुछ पैकेज लेकर आने वाले लवप्रीत। तो बाय द वे, आप लोग कमेंट कर बताना कि इनका फिजिक आप लोगों को कैसा लगा। वैसे मैं बताऊं, लास्ट टाइम मुंबई वाले प्रो शो में इनका प्लेसिंग जो था 8, तो इस बार कहीं ना कहीं टॉप 5 क्रैक कर सकते हैं। तो गाइस, जो हमारा नेक्स्ट अपडेट है वो है सुनील यादव की तरफ से। गाइस, तो लास्ट टाइम का उन्होंने एक फोटो शेयर करा एंड उन्होंने लिखा था कैप्शन में मिसिंग जस्टिस। तो गाइस, आप लोगों को क्या लगता है इस कैप्शन को पढ़ने के बाद, जानने के बाद, क्या इस साल ये कॉम्पीट नहीं करने वाले हैं? बट मेरे को नहीं लगता ऐसा होने वाला है, क्योंकि यार इंडिया में प्रो शो हो उसके बाद हमारे एथलीट्स कॉम्पीट ना करें, ये तो मतलब हो ही नहीं सकता है, बहुत रेयर केस होते हैं। बट अभी उन्होंने कुछ वैसा ऑफिशियल अनाउंस भी नहीं करा। गाइस, ये भी कन्फर्म है, तो ऐसा तो नहीं कि ये दिल्ली वाले शो में कॉम्पीट नहीं करने वाले, बट ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि इसको एक कंप्लीट पैकेज, आप लोग जानते होंगे कंप्लीट पैकेज ही बोला जाता है सुनील यादव को, इनके पास कंप्लीट पैकेज है। अपर बॉडी देख लो, लोअर बॉडी देख लो, सेपरेशन बिल्कुल ऑन पॉइंट रहता है, साइज भी इनके पास अच्छा खासा है एंड गुड क्वालिटी मसल मास विद कंडीशनिंग ऑन स्टेज देकर आते हैं हमेशा जिस भी शो में खेलते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब इंडिया का बॉडी बिल्डिंग में तो बोल सकता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द टॉप नॉच एथलीट्स हमारे हैं सुनील यादव, तो इनको कम्पीट करना चाहिए। वैसे आप लोग जानते हो इनका कोच जो है हैनी रैमबुर, तो क्या वो क्या इन्हें बताए होंगे, वैसे ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट जैसे भी आता है इनके तरफ से मैं आपके पास लेकर आऊँगा। तो आप लोग कमेंट कर बताना कि क्या अभी कम्पीट करते, क्या इस बार क्वालिफाई कर सकते हैं 212 डिवीज़न के लिए सुनील यादव या फिर नहीं। तो गाइस, जो हमारा नेक्स्ट अपडेट है वो है आपका भुवन चौहान की तरफ से। गाइस, तो देख सकते हो ये सिर्फ और सिर्फ 1 डेज आउट हैं जो कि कम्पीट करने वाले हैं ऑप्टिमम मसल में। तो कंडीशनिंग देख सकते हो गाइस, ये इनका करंट कंडीशन है, कंडीशनिंग बिल्कुल ऑन पॉइंट लग रहा है गाइस। एंड मैं बोल सकता हूँ कि मतलब फाइबर बिल्कुल देख सकते हो शोल्डर में बहुत ही ज़्यादा दिख रहा, वेंस बिल्कुल पॉप अप कर रहा, मतलब एक फुलनेस जो होता है वो दिख रहा, बल्कि डेप्लेट है फिलहाल, बट फिर भी उन्हें बहुत तगड़ा लग रहे। तो मेरे को लग रहा है कि उस शो को जीतेंगे, वैसे पता चलेगा उसमें कौन कौन से एथलीट्स आ रहे हैं उस शो में कम्पीट करने के लिए। उसके बाद फिर जो भी अपडेट आएगा वो मैं आपके पास लेकर आऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना गाइस, तो कमेंट कर बताना कि क्या आप लोग को लगता है ये जीत पाएंगे ऑप्टिमम मसल्स या फिर नहीं।
तो गाइस जो हमारा नेक्स्ट अपडेट है वो है तरुण गिल की तरफ से गाइस। तो अभी जब मनोज पाटिल ने सस्पेंड हुआ तो उन्होंने कुछ इस पर एक बात बोला, तो मेरे को लगा इस वीडियो को शेयर करना चाहिए और आप लोग भी इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना ताकि लोगों के पास एक अच्छा इन्फॉर्मेशन पहुँचे और जो ऐसे एथलीट्स के साथ हमारे होते हैं इंडियन एथलीट्स के साथ वो नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं उनको वार्निंग दिया देना चाहिए या फिर वाट एवर जो भी एक क्राइटेरिया होना चाहिए। यार हमारे देश में इतने बढ़िया इतने बड़े शो हो रहा है उसके बाद हमारे इंडियन एथलीट्स कॉम्पीट नहीं कर रहे, तो दिस इज़ नॉट अ गुड फॉर अस। तो आप इस वीडियो को देखना, तरुण गिल कुछ अच्छा इसमें इन्होंने बताया कुछ बोला और वीडियो को शेयर जरूर करना गाइस। सो मैंने अभी अभी वीडियो देखा मनोज भाई का जहां वो बता रहे हैं कि उनका प्रो कार्ड सस्पेंड हो गया और उन्होंने कोई नॉन सैंक्शन शो पे कोई अपेयरेंस करी है और उसकी वजह से उनका प्रो कार्ड कैंसिल कर दिया। सो यू नो व्हाट, आई एग्री कि IFBB के बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। IFBB रियली अपने एथलीट्स का यू नो दे रियली इंटैंगल यू, बट मैं इस वीडियो से जो मनोज ने बनाया मेरा थोड़ा देखने का नज़रिया अलग है। मनोज ने जो बातें बोली हैं अपने वीडियो में, मुझे उन बातों में ज़रा सी भी डेस्परेशन नजर नहीं आई। क्या मेरा प्रो कार्ड ले लिया एंड आई वॉन्ट टू प्ले दिस प्रो शो के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मेरा पहले वीजा कैंसिल हो गया था बाहर जाने के लिए, आई रियली वॉन्ट दिस। मुझे तो ऐसा लगा कि ही नेवर वॉन्टेड टू प्ले द प्रो शो इन द फर्स्ट प्लेस, कि वो प्रो शो खेलना ही नहीं चाहते। दैट्स हाउ आई फेल्ट, आई कुड बी रॉन्ग बट दैट्स हाउ आई फेल्ट। अगर आपको प्रो शो खेलना है और अगर आपका ये कैंसिल हो गया, रिमेंबर शेरू पाजी ने ही आपको प्रो कार्ड दिलवाया बिकॉज ऑफ योर एफर्ट, बिकॉज आपने वो जीता। आई एम श्योर आपकी अपॉलोजी अगर आप नॉन सैंक्शन शो पे गए हो इट कैन गेट यू योर प्रो कार्ड बैक। और आप कह रहे हो उनका रिस्पॉन्स बड़ा नेगेटिव आया, आई डोंट थिंक सो दिस विल हैपन। अगर आप रियली प्रो शो खेलना चाहते हो मनोज, रियली खेलना चाहते हो, यू हैव टू शो डेस्परेशन, यू हैव टू शो हाउ बैडली यू वॉन्ट इट। दिस इज नॉट, आप बता रहे हो मेरा प्रो शो मेरा सस्पेंड कर दिया, इट्स एज इफ यू नो यू ब्रेकिंग द न्यूज़, यू नॉट इवन डेस्परेट कि मैं इतने सालों से मेहनत कर रहा हूँ, इतना सब कुछ कर रहा हूँ, मेरा प्रो शो था मेरे से ले लिया, देव टेकन अवे एवरीथिंग, नथिंग। आई डोंट सी और सेंस एनीथिंग इन व्हाट यू सेइंग, कुछ भी नहीं। इट्स लाइक मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई IFBB का प्रोफेशनल मुझे बता रहा है कि यार मेरा तो प्रो शो का मेरा प्रो कार्ड ले लिया एंड उसे तो 6 महीने लगेंगे, तो 6 महीने तक मैं प्रो शो नहीं खेल सकता। व्हाट, अगर कोई मेरा प्रो कार्ड छीन लेता ना और मैंने इतनी मेहनत करी होती, मैं आग लगा देता IFBB में रिक्वेस्ट कर करके। गाइज आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, नहीं वीडियो पसंद आए तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करना। इसी प्रकार के आपको फिटनेस का सारा अपडेट सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल सिंक फिटनेस पे मिलेगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।